つのかよ。どけー。Hey guys, this is Kushik here, the Dancer, and welcome to my another video. And आज मैं बताऊंगा आपको top 10 low end PC games category wise. And in categories में है ऑनलाइन गेम्स, एक्शन एडवेंचर गेम्स, रेसिंग गेम्स, फाइटिंग गेम्स, ओपन वर्ल्ड गेम्स, स्पोर्ट्स गेम, हॉरर गेम्स, वॉर स्नाइपर स्टेल्थ बेस्ड गेम्स, पर्सनल गेम्स एंड बोनस गेम्स। एंड मैं किसी भी गेम की लिंक प्रोवाइड नहीं करने वाला, बिकॉज पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करना इलीगल है एंड यूट्यूब मेरे चैनल पर कब कौन सा स्ट्राइक मार दे मेरे को खुद पता नहीं चलेगा, तो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आप गेम बाय करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टीम एंड एपिक गेम स्टोर से ही बाय करो, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में एक गेम फ्री भी है जिसे आप ऑफिशियली स्टीम स्टोर से बाय कर सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टीम फोर्ट्रेस 2, वेल ये एक मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसे डेवलप किया है वाल्व कॉर्पोरेशन ने, एंड ये वही कंपनी है जिसे CS:GO को भी डेवलप किया था। एंड ये टीम फोर्ट्रेस पुरानी गेम्स जो कि 1996 में 1999 में आई थी उसका सीक्वल है, एंड ये गेम 2007 की है। तो अब बात करते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर, 512 MB की रैम एंड 15 GB का हार्ड डिस्क स्पेस, एंड देन ये गेम इजीली आपके PC में रन कर जाएगी। एक्शन गेम्स। बैटमैन आर्केम असाइलम 2009 की एक एक्शन एंड एडवेंचर गेम है, एंड इस गेम को डेवलप किया है रॉकस्टेडी स्टूडियोस ऑफ वर्चुअल स्फीरल इंटरैक्टिव ने, एंड इस गेम को पब्लिश किया है एडियोस इंटरैक्टिव एंड वॉरनर ब्रोस ने। एंड इस गेम ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं जैसे PFTA गेम्स अवार्ड फॉर द बेस्ट गेम, VGX अवार्ड फॉर स्टूडियोस ऑफ द ईयर, और भी बहुत सारे अवार्ड इस गेम ने जीते हैं। प्लस स्टीम पे इस गेम को 10 out of 10 की रेटिंग दे रखी है जो कि GTA 5 की भी नहीं है, एंड इस गेम को मैंने भी खेला है एंड ये गेम बहुत औसम है। प्लस इसमें सबकी फेवरेट हार्ले क्विन भी है। तो अब बात करते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर, 1 GB की रैम और 9 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। मोटो GP 30, वेल ऑफकोर्स नाम से ही पता चल गया हो कि ये मोटरसाइकिल रेसिंग गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश किया है माइलस्टोन ने, एंड ये गेम 2013 की गेम है। एंड ऑफकोर्स इसके बारे में ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, ये एक रेसिंग गेम है एंड वही बाइक्स वाली रेसिंग गेम है। इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अगर बारे में बात करें तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट है इंटेल पेंटियम प्रोसेसर जो कि 2.4 GHz का होना चाहिए, 1 GB के रैम और 7 GB का फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस, एंड ये गेम आपके PC में ईजिली रन कर जाएगी। रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D, वेल ये गेम पहले मोबाइल के लिए थी बट कुछ टाइम बाद ये गेम जब और पॉपुलर हो गए तब इसका PC वर्जन भी बनाया गया, एंड ये ऑफिशियली स्टीम पे अवेलेबल है। एंड ये गेम बहुत ही ऑसम है, मतलब टाइम पास के लिए तो सबसे बेस्ट गेम है ये। एंड अब बात करते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है 1 GHz का प्रोसेसर, 2 GB की रैम और 60 MB का अवेलेबल स्पेस, एंड ये मैक OS के लिए भी है। तो मैक के लिए इंटेल डुओ कोर, 2 GB की रैम और 100 MB का अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। ओपन वर्ल्ड गेम्स। जस्ट कॉज 2, वेल ये गेम 2010 के एक्शन एडवेंचर गेम है एंड ये ओपन वर्ल्ड गेम भी है जिसे एवलांस स्टूडियोज ने डेवलप किया है और पब्लिश किया है एडियोस इंटरैक्टिव ने। वेल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये गेम बहुत ही ऑसम, एंड इस गेम में आपके पास एक ग्रैपल हुक भी होगा जिसकी हेल्प से आप कुछ डिस्टेंस इजीली ट्रैवल कर सकते हो, एंड 24x7 पैराशूट भी और भी चीज़ें हैं इस गेम को जो इंटरेक्शन बनाती है, एंड मतलब ये गेम बहुत ही ऑसम है। एंड सबसे बड़ी बात, इस गेम का मैप GTA San Andreas और GTA 5 से भी बड़ा है, विच इज़ लाइक 1080 मीन्स 1080 किलोमीटर स्क्वायर, और आप 400 स्क्वायर माइल्स भी कह सकते हो, मतलब आप पूरा मैप एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे शायद से, मैं यह भी ऐसा कह सकता हूँ। एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है इंटेल डुओ कोर का प्रोसेसर एंड 2 GB के रैम प्लस 10 GB का फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। NBA 2K10 एक बास्केटबॉल सिमुलेशन वीडियो गेम है जिसे विजुअल कॉन्सेप्ट ने डेवलप किया और पब्लिश 2K स्पोर्ट्स ने किया है। वेल ये गेम 2009 की है। तो अब बात करते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में।
तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है इंटेल पेंटियम 4 और रैम 512 MB का और 10.5 GB का हार्ड डिस्क स्पेस तो होना चाहिए एंड ये गेम आपके पीसी में इजीली रन कर जाएगी। आउटलास्ट 1 द बेस्ट हॉरर गेम ऑफ माय लाइफ। इसने अपनी जॉनरा या फिर हॉरर गेम्स कह लो उसका सर नीचे नहीं झुका है। प्लीज़ दिल के मरीज इस गेम को ना खेले क्योंकि इसकी सीरीज बहुत डरावनी है एंड अगर आपको इतना ही शौक है तो प्लीज़ एक बार कैरी या फिर अपने फेवरेट स्ट्रीमर की स्ट्रीम ही देख लेना एंड आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ना होने की गारंटी मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरे साथ खुद एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी एंड दिस इज़ नॉट अ जोक। इस गेम को डेवलप किया है रेड बैरल्स ने और पब्लिश किया है रेड बैरल्स ने बट सैंड गेम्स के साथ। इस गेम को स्टीम पे 10/10 की रेटिंग मिल रखी है। तो अगर अब बात करते हैं हम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है इंटेल डुअल कोर CPU 2 GB की रैम और 5 GB का हार्ड डिस्क स्पेस। फ्रीडम फाइटर 2003 में आई इस गेम ने करोड़ों दिलों पर राज किया है एंड इस गेम को डेवलप किया IO इंटरेक्टिव ने एंड पब्लिश किया है EA ने। इस गेम की स्टोरी में सोवियत यूनियन न्यूयॉर्क पे कब्जा कर लेती है एंड हमें न्यूयॉर्क को बचाना होता है। वेल ये गेम बहुत ही ऑसम है एंड लिटरली आपकी गेम आपकी फेवरेट बन सकती है एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट है इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर 4 GB की रैम और 800 MB का हार्ड डिस्क स्पेस एंड अगर 2 GB की रैम है तब भी आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो शायद से चल जाए इजीली वो भी। मेट्रो 2033 वेल ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसे 4A गेम्स ने डेवलप किया है एंड पब्लिश THQ ने किया है। ये गेम बहुत ही ऑसम है एंड इस गेम का एक रिमास्टर्ड या रिडक्स वर्जन भी है एंड इसकी स्टोरी बहुत ही गजब है एंड रिमास्टर्ड एंड रिडक्स दोनों मतलब सेम ही है। नॉर्मल और रिडक्स की दोनों की स्टोरी सेम ही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड ये गेम स्टीम पे 2 या 3 महीने पहले फ्री हुई थी एंड इसका रिडक्स वर्जन एपिक गेम स्टोर में फ्री हुआ था। एंड अगर अब बात करते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट है इंटेल डुअल कोर CPU 1 GB रैम और 10 GB का स्टोरेज। Deus Ex The Fall वेल एक एक्शन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसे एनफ्यूजन इंटरएक्टिव ने डेवलप किया है Eidos Montréal के अंडर में एंड इस गेम को पब्लिश किया स्क्वायर इनिक्स ने एंड ये बहुत ही अमेजिंग गेम है एक्शन एडवेंचर एंड प्लस एक फ्यूचरिस्टिक गेम भी है। इस गेम को रन करने के लिए 2 GHz का डुअल कोर CPU चाहिए 2 GB की रैम हार्ड डिस्क 5 GB तक का होना चाहिए कम से कम एंड आपकी ये गेम इजीली रन कर जाएगी। तो गाइस ये थे कुछ अमेजिंग गेम जो कि आपकी PC में इजीली रन कर जाएंगे एंड आई होप कि मैंने अपनी वीडियो से आपको एंटरटेन किया होगा एंड आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। टू बी श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी अमेजिंग गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे और आप मेरी और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं तो चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स कीप गेमिंग स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय सी यू।